न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ जिसने कई लोगों को शर्मसार कर दिया। दरअसल उस फ्लाइट में मौजूद एक भारतीय पैसेंजर ने शनिवार को शराब के नशे में अपने साथी यात्री पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया। इस आरोपी की पहचान 21 वर्षीय आर्य वोहरा के रूप में हुई है, जो अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है। एयरलाइंस ने इस इंसिडेंट के बाद इस यात्री को प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिकन एयरलाइंस के एक बयान के मुताबिक जॉन एफ कैनेडी से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान संख्या AA292 में ये युवक बहुत नशे में आया था। रात 9:50 पर फ्लाइट के लैंड करने के बाद युवक को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा कि युवा यात्री ज्यादा नशे में था और विमान में क्रू मेंबर्स के निर्देशों का पालन भी नहीं कर रहा था। वो बार बार उनके साथ बहस कर रहा था, बैठने को तैयार ही नहीं था और विमान की सुरक्षा लगातार खतरे में डाल रहा था। साथी यात्रियों की शांति में खलल डालने के बाद आखिरकार उसने सीट पर पेशाब कर दिया। इस घटना के बारे में अमेरिकन एयरलाइंस के पायलट ने विमान उतरने से पहले दिल्ली ATC से संपर्क भी किया और सुरक्षा की मांग की। इसकी सूचना सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF को दी गई। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि विमान के उतरने के बाद CISF कर्मियों ने उस नशे में धुत युवक को बाहर निकाला और उसे अपने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन वो इतना नशे में था कि उनके साथ भी बदसलूकी करने लगा। इसके बाद पुलिस ने उस स्टूडेंट को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ है जहां पे एक आदमी ने नशे में एक महिला पर यूरिनेट कर दिया था। इसके बाद DGCA ने उस आदमी को भी प्रतिबंधित कर दिया, उसे एयरलाइंस पे चढ़ने नहीं दिया। वो घटना एयर इंडिया विमान में हुई थी।